हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक और प्रिंसिपल, रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस का मतलब क्या है? नो वन शुड बी जज इन देयर ओन कॉज। ये जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन उस केस को जज कर रहा है, अगर उस केस में उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है तो वो पर्सन उस केस को जज नहीं कर सकता। दैट मीन्स नो पर्सन कैन जज अ केस इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट। तो ये जो रूल जो है वो स्ट्रिक्टली अप्लाइड तभी होता है जब किसी केस में पॉसिबिलिटी होती है कि वो उस केस में बायसनेस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बायस एस्टैब्लिश बायस होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक अपीयरेंस होता है एक पॉसिबल बायस का। विच मीन्स जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो बेसिकली बायस जो होता है वो एक पार्शियलिटी कहलाता है या फिर एक प्रेफरेंस होता है जिसका कोई रीजंस नहीं होते हैं। मतलब उस पर्सन का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पेकिनरी हो चाहे वो पर्सनल हो। बेसिकली जो बायस रूल का जो एप्लीकेशन है वो तभी एस्टैब्लिश होता है जब कोई पर्सन जो है वो एक्यूज़र के पोजिशन में भी है और वो डिसीजन मेकर भी है, या फिर वो पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन देने में, या फिर वो एडवाइस दे रहा है वो पूरे मैटर में। तो जब पर्सन जो है वो दोनों पोजीशन में होता है, एक एक्यूज़र भी होता है और डिसीजन मेकर भी होता है, तब जाके बायस रूल का एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई होता है। इस रूल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो ये कि जो पर्सन डिसाइड करे डिस्प्यूट, एक तो उसका खुद का कोई पेक्यूनरी या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस केस के आउटकम में, उस प्रोसीडिंग्स के आउटकम में, और दूसरी बात ये कि रियल लाइकलीहुड ऑफ द बायस नहीं होना चाहिए। अब रियल लाइकलीहुड ऑफ द बायस क्या होता है उसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि बायस जो है डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है, जैसे पर्सनल बायस, पेक्यूनरी बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस, डिपार्टमेंटल बायस, पॉलिसी नोशन बायस, प्री कंसीव्ड नोशन बायस, बायस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टेनेसी। तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग भी दो तरीके के बायस होते हैं। पहला होता है एक्चुअल इम्प्यूटेड बायस और दूसरा है अपेरेंट बायस। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है इस रूल का वो ये इंश्योर करना होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेटरी प्रोसेस में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेटरी प्रोसेस जो है वो इम्पार्शियल है। अब हम आते हैं एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड बायस पे। तो ये जो एक्चुअल इम्प्यूटेड और अपेरेंट बायस जो है ये एस्टैब्लिश तभी होता है जब डिसीजन मेकर जो है वो प्रेजुडिस्ड होता है इन द फेवर ऑफ या फिर अगेंस्ट द पार्टी। और इम्प्यूटेड बायस का एक फॉर्म होता है जिसमें ये होता है कि जो डिसीजन मेकर है, अगर वो पार्टी है उस सूट में या फिर उसका कोई पेक्यूनरी या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है उस डिसीजन के आउटकम में, उस प्रोसीडिंग्स के आउटकम में, तो जब ये एक बार ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो ऐसे केस में जो डिसीजन मेकर है वो ऑटोमेटिक डिसक्वालिफाइड हो जाता है। तो जो डिसीजन मेकर है उसको वो मैटर को एजुडिकेट नहीं कर सकता, उस मैटर को वो सुन नहीं सकता, उस मैटर को वो डिसाइड नहीं कर सकता। इसमें एक क्लासिक केस है जिसे कहते हैं डाइम्स वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कनाल प्रोप्राइटर्स। इस केस में ये जो केस था ये एक लोकल लैंड ओनर जो डाइम्स था और प्रोप्राइटर्स ऑफ ग्रैंड जंक्शन कनाल के बीच का केस था। इस केस में लॉर्ड चांसलर एंड लॉर्ड कॉटनहैम ने जो डिसीजन था वो ग्रैंड जंक्शन कनाल के प्रोप्राइटर्स के फेवर में दिया था। बाद में डाइम्स जो था वो उसने ये डिस्कवर किया कि जो लॉर्ड कॉटनहैम है वो शेयर होल्डर हैं उसी ग्रैंड जंक्शन कनाल में, जिसके वजह से जो जज था वो डिस्क्वालिफाइड हो गया था इस केस को डिसाइड करने के लिए। अब हम आते हैं अपेरेंट बायस पे। अपेरेंट बायस तब प्रेजेंट होता है जहाँ पे जज या फिर डिसीजन मेकर जो होता है ना तो वो पार्टी होता है किसी भी मैटर में, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट होता है किसी भी प्रोसीडिंग्स के आउटकम में, लेकिन फिर भी उस डिसीजन मेकर का जो कंडक्ट या फिर बिहेवियर होता है वो एक ऐसा सस्पेशन राइज करता है कि वो डिसीजन जो ले रहा है उस डिसीजन में वो पार्शियल है। रियल लाइकलीहुड टेस्ट जो है वो किसी भी केस में तब पिक्चर में आता है जब कोर्ट सारे फैक्ट्स को कंसिडर करती है या सारे फैक्ट्स को जब असेस करती है और कोर्ट को ये लगता है कि रियल लाइकलीहुड ऑफ द बायस जो है वो है किसी भी पर्टिकुलर केस में। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं आर वर्सेस गॉक का केस था जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस टेस्ट को अप्लाई किया था और ये कहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ बायस को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस को। तो लॉर्ड गॉफ ने ये कहा था कि कोर्ट को हमेशा से जो भी मैटर हो उस उन सारे मैटर्स को कोर्ट को हमेशा से ही रीजनेबल मैन की आंखों से देखना चाहिए। लेकिन इस केस में एक क्रिटिसिज्म ये था कि जो कोर्ट्स का जो व्यू था फैक्ट्स को लेके वो हमेशा से ही पब्लिक के परसेप्शन से अलग था।
तो ये जो क्रिटिसिज्म था वो एड्रेस करा था हाउस ऑफ लॉर्ड ने पॉटर वर्सेस मैकगिल के केस में। इस केस में कोर्ट ने गॉक टेस्ट को अप्लाई किया और ये कहा कि सारे फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची कि रियल पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ट्रिब्यूनल जो था वो बायस था। अब हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर बायस। इस कैटेगरी में वो केसेस आते हैं जहाँ पे डिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है केस के सब्जेक्ट मैटर में। सिर्फ एक इन्वॉल्वमेंट ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को विशेट नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रद्द नहीं करता जब तक रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस ना हो। तो एक केस है जी नागेश्वरा राव वर्सेज APSRTC का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया था, उस डिसीजन को क्वैश कर दिया था। वो डिसीजन था रोड ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करना, इस ग्राउंड पे कि जो सेक्रेटरी था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का उसने इस केस को सुना था और वो इस केस के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड था। अब हम आते हैं डिपार्टमेंटल बायस। तो जो क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल बायस का वो नागेश्वरा राव में कंसिडर करा था सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में जो पिटिशनर था उसने गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया था और वो डिसीजन था रोड ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करने का। उसमें से एक ऑब्जेक्शन ये था कि जो सेक्रेटरी था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का उसने सारे ऑब्जेक्शन सुने थे और कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वेश्चन इस ग्राउंड पे किया था कि जो सेक्रेटरी था वो बायस था और कोई भी फेयर हेयरिंग एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती। लेकिन गुलापली सेकेंड के केस में जो डिसीजन था गवर्नमेंट का वो चैलेंज करा गया था इस ग्राउंड पे कि एक तो डिपार्टमेंटल बायस हुआ है क्योंकि जो मिनिस्टर है वो हेड है डिपार्टमेंट का और उसने ये स्कीम इनिशिएट करी है और वो ही रिस्पॉन्सिबल है इसके एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया था इस ग्राउंड पे कि मिनिस्टर जो है उस डिपार्टमेंट का इतना बड़ा पार्ट नहीं है जिस मैनर में सेक्रेटरी था। अब हम आते हैं पर्सनल बायस पे। पर्सनल बायस जो है वो पिक्चर में तभी आता है जब जज जो है अगर वो रिलेटिव है या फ्रेंड है या बिजनेस एसोसिएट है किसी भी एक पार्टी का, या फिर उसको पर्सनल ग्रजेस है या ग्रीवियंस है या कोई प्रोफेशनल राइवलरी है किसी भी पार्टी के अगेंस्ट, तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो राइज करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं टूवर्ड्स लाइकलीहुड ऑफ बायस के टूवर्ड्स। तो जज जो है वो बायस्ड होता है टूवर्ड्स एक पार्टी के अगेंस्ट या फिर प्रिजुडिस्ड होता है टूवर्ड्स दूसरे पार्टी के। इसको हम एक केस से समझते हैं, अश्विनी कुमार वर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जो चार स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करा था यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कि उनको एक्सपेल कर दिया गया है हॉस्टल से। और ये जो चार स्टूडेंट्स थे वो एक रिसर्च स्कॉलर्स थे जो रिसर्च कर रहे थे डिफरेंट फील्ड्स में यूनिवर्सिटी में ही। उनको एक्सपेल करा गया था इस ग्राउंड पे कि वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी के सामने, वो भी आधी रात को। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो स्टूडेंट्स थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई अपनी बात रखने की, इसलिए एक्सपल्शन ऑर्डर जो था कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और ये डायरेक्शन दी कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपनी बात रखने की, और तब जाके कोर्ट ये कंक्लूड करेगा कि एक्सपल्शन ऑर्डर वैलिड है देना या नहीं है। दूसरा केस है मिनरल डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये एक टिपिकल केस है पर्सनल बायस का। इस केस में पेटिशनर को माइनिंग लाइसेंस ग्रांट करा गया था 99 इयर्स के लिए 1947 में, लेकिन 1953 में गवर्नमेंट ने इसके लाइसेंस को क्वैश कर दिया था। पेटिशनर जो था उसने ये केस डाला मिनिस्टर के अगेंस्ट ये कह के कि जो मिनिस्टर है उसने ये ऑर्डर पास करा है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसने जो ऑर्डर पास करा है इस ग्राउंड पे कि जो पेटिशनर था 1952 में इस मिनिस्टर को अपोज किया था जनरल इलेक्शन में। तो इसके बेसिस पे, पॉलिटिकल राइवलरी की बेसिस पे मिनिस्टर ने इस ऑर्डर को पास किया जिसकी वजह से पेटिशनर जो है वो सफ़र कर रहा था पर्सनल बायस से। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस एलिगेशंस के बारे में जाना और ये सारी एलिगेशन सच निकली, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिस्टर ने जो ऑर्डर पास किया था उसको क्वैश कर दिया था। अब तीसरा केस आता है GN नायक वर्सेस गोवा यूनिवर्सिटी। इस केस में जो सीनियर ऑफिसर था उसने अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जूनियर ऑफिसर के काम को बहुत अप्रिशिएट किया था, और वो जो सीनियर ऑफिसर था वो ऑलरेडी मेंबर था डिपार्टमेंटल कमेटी का, वो डिपार्टमेंटल कमेटी जो कंसिडर करती थी जूनियर ऑफिसर्स के प्रमोशंस को लेके। तो कमेटी ने इस जूनियर ऑफिसर को भी कंसिडर किया था, जूनियर ऑफिसर को रिकमेंड किया था प्रमोशन के लिए, और ये चीज़ जो थी वो चैलेंज कर रही थी इस ग्राउंड पे कि पर्सनल बायस राइज होता है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक प्रेफरेंस जो है वो अनरीजनेबल ना हो और अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे ना हो तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है वो विशेट नहीं हो सकता है।
अब हम आते हैं टेस्ट ऑफ रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस। तो जो क्वेश्चन है बायस का, उसको डिसाइड करते वक्त जज जो है वो ये कंसिडरेशन में लेता है कि क्या ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर ह्यूमन का क्या कंडक्ट हो सकता है ऑर्डिनरी कोर्स में। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस होना बहुत ज़रूरी है, ना कि सस्पिशन ऑफ बायस। तभी जाके प्रोसीडिंग्स जो होती है वो क्वैश हो सकती है इस ग्राउंड पे कि जो पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है प्रोसीडिंग्स वो डिसक्वालिफाइड होना चाहिए बायस की वजह से, बायस होने की वजह से। तो एक केस लेते हैं इसमें, जीवन के लोहिया वर्सेस दुर्गादत्त लोहिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड करा था और इस केस में जो आर्बिट्रेटर था, जो कोर्ट ने अपॉइंट करा था, उसको हटा दिया था इस ग्राउंड पे कि जो आर्बिट्रेटर है वो बायस है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस टेस्ट को अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो बायसनेस हुई है वो उस जजमेंट को इतनी इफेक्ट नहीं करी थी, लेकिन जो लिटिगेंट है उसको ये रियलाइज हो चुका था कि जो फाइनल डिसीजन लिया गया था तब बायसनेस उसके अगेंस्ट हुई थी। अब इसको हम एक और केस से समझते हैं। उस केस का नाम है रामानंद प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में रामानंद प्रसाद सिंह जो था वो सिलेक्शन कमिटी में एज अ मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा था, करना चाहता था, जिसमें उसका जो भाई है वो कैंडिडेट था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। और कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ये इनकॉन्सिक्वेंशियल बायस है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो सिलेक्ट लिस्ट है वो क्वैश नहीं हो सकती है। अब तीसरा केस आता है कुलापली नागेश्वरा राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ बायस जो है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है उन अथॉरिटीज़ पे जिनके पास पावर होती है क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज करने की। अब चौथा केस आता है मानक लाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद। इस केस में कंप्लेंट फाइल करी गई थी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, डॉक्टर प्रेमचंद ने करी थी अगेंस्ट मानक लाल के, जो एडवोकेट है राजस्थान हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल अपॉइंट करा था, सीनियर एडवोकेट से बना हुआ ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया था, जिसमें से एक एडवोकेट जनरल जो था वो राजस्थान का था और वो चेयरमैन था। तो जो डिसीजन था ट्रिब्यूनल का वो चैलेंज करा गया था पर्सनल बायस के ग्राउंड पे कि ये जो पर्सनल बायस जो है वो अराइज होता है इस फैक्ट से कि जो चेयरमैन है वो चेयरमैन ने रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर प्रेमचंद को अपने पहले के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को क्वैश करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, ये कह के कि जो चेयरमैन है, एक तो ना उसका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट है उसके क्लाइंट से, ना ही वो उसको याद है कि वो उसके बिहाफ पे अपीयर हुआ था। इसकी वजह से कोई भी रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस जो है इस केस में नहीं दिखता है। अब पांचवा केस आता है ए के कृपाक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में नाक्विश बंद जो है वो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का चीफ था और साथ ही साथ वो सिलेक्शन बोर्ड का मेम्बर भी था और उसके साथ वो कैंडिडेट भी था ऑल इंडिया कैडर ऑफ फॉरेस्ट सर्विस का। जबकि उसने सिलेक्शन बोर्ड में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था जब उसका नाम जो था कंसिडर और अप्रूव करा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि एक रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस जो है वो अराइज होता है, क्योंकि सिर्फ एक कैंडिडेट का प्रेजेंट होना सिलेक्शन बोर्ड में वो इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे मेम्बर्स के जजमेंट को। अब हम आते हैं प्री कंसीव नोशन बायस। इस प्री कंसीव नोशन बायस को हम अनकॉन्शियस बायस भी कहते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस बायस का, वो ये होता है कि वो हर एक एजुकेशन में इनहेरेंट होता है। मतलब उसको तब तक एलिमिनेट नहीं करा जा सकता जब तक अथॉरिटी के कोवर्ट एक्शन से हम उसको डिटेक्ट ना कर पाएं। और अगर वो डिटेक्ट हो भी जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेयरिंग तभी विशिएट हो सकती है, तभी रद्द हो सकती है जब उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन हो उस केस के डिसीजन से। अब हम आते हैं जुडिशियल ऑब्स्टेनेसी पे। ऑब्स्टेनेसी का मतलब होता है अनरीजनेबल तरीके से परसिस्टेंट होना, मतलब डिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो आंसर में नो नहीं ले सकता। इसमें इसको हम एक केस से समझते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक। इस केस में एक रिट ऑफ मैंडमस जो था वो डिमांड करा गया था पेटिशनर के द्वारा कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि पेटिशनर को प्रमोट करा जाए। तो सिंगल जज ने इस पेटिशन को अलाउ करा था और ऑर्डर दिया था अथॉरिटीज़ को कि इस पेटिशनर को प्रमोट करा जाए, लेकिन ये ऑर्डर जो था वो डिवीजन बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया था। लेकिन 2 साल बाद फिर से एक फ्रेश पेटिशन फाइल करी पेटिशनर ने, सैलरी की पेमेंट से रिलेटेड और जो भी अदर बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड, लेकिन सिंगल जज ने उस फ्रेश पेटिशन को भी डिसमिस कर दिया था। बाद में ये जो ऑर्डर था वो चैलेंज करा गया था अपील में, और ये जो अपील थी वो डिवीज़न बेंच ने सुनी थी, जिसमें से एक मेंबर जो था उस डिवीज़न बेंच का वो वही जज था जिसने उसकी पहली पिटीशन को अलाउ किया था। तो पिटीशन तो अलाउ हुई और रिलीफ भी ग्रांट करा गया, लेकिन स्टेट जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और जब सारे केस के फैक्ट्स को कंसिडर किया सुप्रीम कोर्ट ने,
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कहा एक एक इस केस के को डिस्क्राइब किया एज अ न्यू फॉर्म ऑफ बायस जिसको कहते हैं जुडिशियल ऑब्स्टेनेसी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी जज की जजमेंट को सेट असाइड करती है तो उस जज को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानना ही पड़ेगा, वो उस जजमेंट को रीराइट या फिर ओवर रूल नहीं कर सकता उसी सेम केस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।